जेंटलमैन एंड लेडीज, हियर्स द थिंग, ये एक चीज है मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ यार, तुम लोग बहुत खूबसूरत, बट हियर्स द थिंग, एक मैं ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो रिजल्ट्स देते हूँ। तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीज का जो मुझे पता चला है वो था कोल्ड शावर, ये ठंडे पानी से नहाना। इसके बेनिफिट्स बहुत है, इसके बेनिफिट्स मेरे को तीन जगहों पे दिखाई दिए। नंबर वन, मेरी इम्यूनिटी पे, फिजिकल लेवल मतलब बॉडी पे। थर्ड और फाइनल जो मुझे काफी अट्रैक्ट किया, साइकोलॉजिकल लेवल पे। लेट्स मूव। नंबर वन, मुझे एक ऐसी चीज समझ आई, वो चीज थी कि जैसे ही हम कोल्ड शावर में एंटर करते हैं एक शॉक की तरह फील होता है जो आपको लिटरली झटका देके जगा देता है। तो मतलब कैफीन को रिप्लेस करना है तो कोल्ड शावर लेके देखो यार, एक झटका मिलेगा और तुम सही में जग जाओगे। नंबर टू, ये आपको लिटरली झटका के साथ साथ एक अवेकन का सेंस देता है, एंड विच मेक सेंस, जब आपको सुबह सुबह ही झटका लगे हो तो आप पूरे दिन बहुत ज्यादा चार्ज या बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं। हमारे एक बहुत पुरानी कहावत है अगर आप लोगों ने सुनी हो कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। नंबर थ्री, ये मसल सोरनेस को काफी हद तक कम करता है। अब मसल सोरनेस जिन लोगों को पता नहीं है तो क्या होता है, कई बार अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हैवी लोड उठा लेते हैं तो सडनली एक जाम सा आ जाता है, सडनली एक स्ट्रेन आपकी बॉडी में आना शुरू करता है, तो उसे मसल सोरनेस कहते हैं। नंबर फोर, आपको जान के बहुत हैरानी होने वाली है कि गर्म पानी एक्चुअली आपकी स्किन, फेस के लिए और सर के हेयर्स के लिए डैमेजिंग है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरी तरफ आपका ठंडा पानी आपकी प्यारी सी स्किन को नरिश करता है और काफी सॉफ्ट बनाता है। मैंने ये जितने लोगों ने ट्राई किया है उन लोगों ने एक चीज कंपलसरी बोली है कि ये उनके बालों को सॉफ्ट करने के लिए बहुत काम आता है। मेरे बाल है नहीं तो मैं बोल नहीं सकता इस चीज के बारे में, बट फेस की स्किन का हाँ, काफी हद तक ज्यादा साफ रखता है, ज्यादा सॉफ्ट रखता है। नंबर फाइव और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करता है, उसकी वजह से आपका बॉडी वेट डिक्रीज होता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से आपका बॉडी वेट डिक्रीज होता है। अगर आप साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। बस एक बोनस टिप है यार, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसको चुना था। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ता है, अपने आप को बार बार जिद्दियों की तरह कहना पड़ता है कि एक बार और, एक बार और, एक बार और, ऐसे ही करते करते पूरा महीना निकल जाता है। स्टार्टिंग का डिफिकल्ट हो सकता है, लेटर टाइम इट विल बी इजी। एंड आई नो वन थिंग, इसने मेरा डिटर्मिनेशन और विल पावर दोनों को बहुत हद तक बढ़ाया, बहुत अच्छे हद तक बढ़ाया। लास्ट एंड फाइनल थिंग, इसको किसी ऐसे के साथ शेयर करो जिसको तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो, और अगर ये किसी की तरफ से आया है तो याद रखो यार, वो पर्सन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है और चाहता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सीड करो या सक्सेस हासिल करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको दबाना, साथ में नोटिफिकेशन बेल होगा उसको भी दबाना, ताकि आप नए वीडियोस मिस ना करो।